सभी छात्रों को नमस्कार सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है आज हम हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं समाज क्या है सभी छात्र आप गुजराती भाषा में समाज समाज पढ़ चुके हैं तो समाज को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करने की विधि यानि कि जो शब्द है वो शब्द जो शाब्दिक उर्थ उसका अर्थ होता है संक्षिप्त यानि कि टुकमा संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि जिसे हम समास कहते हैं यहाँ उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को देखिए उसमें पहला वाक्य है राजा का कुमार सप्त बीमार है क्या है राजा का कुमार सप्त बीमार है। तो यहाँ इस वाक्य को दूसरे दुस, तरीके से इस तरह लिखा जाता है कि राजकुमार सख्त बीमार है यहाँ देखो राजा का कुमार तो राजा का कुमार को शब्द समूह के लिए एक शब्द के लिए कहा के के जाए तो राजा का कुमार यानी कि राजकुमार तो राजा का कुमार सख्त बीमार है वाक्य यही है दूसरा राजकुमार सख्त बीमार है दोनों वाक्य का अर्थ तो एक ही होता है तो उपयुक्त वाक्यों में हम देख रहे हैं कि राजा का कुमार का संक्षिप्त रूप कौन सा है राजकुमार हो गया है यानी कि यहाँ उसे संक्षिप्त या संक्षिप्त रूप दिया गया है यानी कि उनका रूप हो जाता है राजकुमार अर्थात दो या अधिक शब्दों का अपना विभक्ति चिन्हों अथवा प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है यानी कि दो या अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्हों से अथवा तो प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं तात्पर्य यह है कि समाज में कम से कम दो पदों का योग होता है यानी कि उनका अर्थ क्या हो समाज में कम से कम दो पदों का योग होता है यानी कि मिलन होता है जब वे दो या अनेक पद एक हो जाते हैं तब समास होता है यानी कि जब ये दो या अनेक पद जब मिल जाते हैं तब हम उसे समास कहते हैं समास होने के पूर्व पदों के रूप को बिखरे रूप यानी कि समास विग्रह और समास होने के बाद संक्षिप्त रूप को हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं यानी कि जो समास है समाज होने के पूर्व पदों को हम क्या कहते हैं बिखरे हुए रूप कहते हैं यानी कि उसे समास विग्रह कहते हैं लेकिन जब समास हो जाता है तो समास होने के बाद जो संक्षिप्त रूप बनता है उसे हम कौन सा पद कहेंगे समस्त पद कहेंगे यानी कि यहाँ राजकुमार वो कौन सा है समस्त पद है ऊपर दिए गए उदाहरणों में राजा का कुमार यानी कि यह समास विग्रह है और राजकुमार यह है समस्त पद यानी कि सामाजिक पद है यह आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं अब समाज के भेद तो हिंदी में समाज के मुख्य छ भेद हैं उस पे पहला है अवयवी भाव समास दूसरा है कर्मधाराई समाज तीसरा समास चौथा है ध्वंद समाज पांचवा तत्वपुरुष समाज और छठा है बहुव्रीहि समास यहाँ प्रिंटिंग मिस्ट है तीनों बार चार चार अंक दिए गए देखिए ठीक है दे, तो उपयुक्त भेदों में हमें सबसे पहले प्रथम चार समासों का अध्ययन इस कक्षा में करना है यानी कौन से चार अवयविभाव समास कर्मधारय समास समास्वंद समास, और समास। इस चार समासों के बारे में इस नौवीं कक्षा में आपको पढ़ना है तो सबसे पहले हम देखेंगे अवयविभाव कि समास किसे कहते हैं तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा शब्द अवयव हो और सामासिक पद का क्रिया विशेषण के समान उपयोग हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं यानी कि जिस समास में पहला पद यानी कि मुख्य पद प्रधान यानी कि मुख्य हो वह शब्द अवयव हो जिस और सामासिक शब्द का क्या यानी कि क्रिया विशेषण के समान होता है तो उसे हम भाव समास कहते हैं दूसरे शब्दों में अवयवी भाव का पूर्व पद होता है और उत्तर पद के मिल जाने के बाद ही समस्त पद अव्यय ही रहता है यानी यहाँ विशेषण आदि अविकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग वचन या काल में प्रयोग करने के करने पर बदलता नहीं है वे अवयव कहते अवयव किसे कहते हैं तो विशेषण आदि अविकारी शब्द जिनका उच्चारण नहीं हो सकता ये शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग वचन या काल में प्रयोग करने पर बदलता नहीं है उसे हम अवयव कहते हैं आगे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में तो इन व्याख्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए तो वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा तो यथाशक्ति का अर्थ क्या होगा तो क्या शक्ति के अनुसार दूसरा है लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है तो प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन या तो दिन दे आगे ही आजीवन वह आजीवन लोगों की सेवा करता रहा आजीवन यानी कि वह लोगों की जीवन भर यानी कि जीवन पर्यंत सेवा करता रहा तो यहाँ हमें सगर यहाँ आपको समस्त पद का विग्रह करते हुए यहाँ देखने को मिलता है तो यहाँ शक्ति पूर्वपद क्या होता है अवयव और उत्तर पद यानी कि यहाँ बताया गया है कि पहला पद प्रधान हो तथा वह शब्द अवयव हो जिसे सामान्य यानी कि पहला पद यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार तो उसे हम यवी यवी भाव समास कहते कि यहाँ इनका उदाहरण दिया गया है ठीक है आगे दूसरे कई उदाहरण यहाँ बताए गए हैं जिसमें पहला ही यथाविधि यानी कि विधि के अनुसार यथामति मति के अनुसार यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो यथोचित यानी कि जो उचित हो आमरण यानी कि मरण तक प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष दिनों दिन यानी कि दिन ही दिन में रातों रात यानी कि रात ही रात में बेकाम बिना काम के भर पेट तो पेट भर के यथानियम यानी कि नियम के अनुसार यथासमय समय के अनुसार संभव, जितना संभव हो सके आजन्म यानी कि जन्म से लेकर आकंठ कंठ तक प्रतिपल यानी कि प्रत्येक पल बीचों बीच बीच ही बीच में हाथों हाथ हाथ ही हाथ में प्रत्यक्ष यानी कि आँखों के सामने बेखटक यानी कि बिना खटके अब यह है अवयविभाव समाज के उदाहरण दिए गए हैं। आगे है निम्नलिखित अवयविभाव समाज का विग्रह कीजिए निर्भय यानी कि जिसका भय ना हो वो बराबर तो इसी तरह आपको यह अपने होमवर्क में इसका आपको विग्रह करके लिखना है जैसे इस तरह बराबर ऊपर के उदाहरण के आधार पे आपको यह होमवर्क में लिखना है आगे दूसरा है कर्मधाराई समास जिस समाज में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो विशेषण जो नाम की विशेषता बताता है वो यानी कि जिस समाज में पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है विशेष्य हो या पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो उसे हम कर्भधारा समास विशेषण गुजराती में कहा जाए तो नामना अर्थ में वधारो करें अपने विशेषण कहे तो विशेषण विशेष यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं यानी कि यहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो या तो पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो उसे हम कर्मदारे समाज कहते हैं इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है उपयुक्त वाक्य के संदर्भ में कर्मदारे समास के उदाहरण निर्देशित है विशेषण पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो ऐसे उदाहरण दिए गए तो को, महान पुरुष महापुरुष यानी कि महान पुरुष पुरुष तो है लेकिन कैसा महान तो ये महान क्या है विशेषण और पुरुष है विशेष्य है ठीक है तो बाकी सब उदाहरण इस तरह है पकवान यानी कि पकवान सुहास यानी कि सुंदर है जो हसी सुविचार यानी कि अच्छा है जो विचार नवांकुर यानी कि नव है जो अंकुर महावीर महान है जो वीर महात्मा महान जो है जो आत्मा अंधकूप अंधा है जो कूप महाविद्यालय यानी कि महान है जो विद्यालय सूक्ष्मणु यानी सूक्ष्म है जो अणु महायुद्ध महान है जो युद्ध सुलोचना यानि कि सुंदर है जिसके लोचन प्रधाना प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधान है जो अध्यापक नील गाय यानी कि नीली है जो गाय यानी कि यहाँ प्रथम पद क्या है पूर्व पद है विशेषण और उत्तर पद क्या है विशेष्य यहाँ बताता है वो हम देख चुके हैं तो जब ऐसा आता है तो आपको लिखना है कि यह कर्मधारय समास है अब दूसरा बताया गया है कि पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो ऐसे उदाहरण तो न्यायोचित न्याय है जो उचित न्याय तो है लेकिन कैसा उचित अध पका यानि कि आधा है जो पका तो यहाँ यह विशेषण है यह विशेषण और यह विशेष्य है आगे कई उदाहरण दिए गए हैं उपमेय और उपमान का यहाँ समझाया गया है हमें उपमाय उपमेय और उपमान का संबंध हो ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे हम उपमेय और जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहा जाता है तो जिसकी तुलना हम किसी अन्य से करते हैं तो उसे हम उपमेय कहते हैं लेकिन जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं जैसे कि चरण कमल ये समस्त पद का विग्रह होना यानी कि चरण रूपी कमल इसमें चरण उपमेय है यानि कि उनकी उपमा उपमेय यानी कि अन्य से तुलना की गई है और कमल उपमान है यानि कि जिससे तुलना की गई है वो तो यहाँ पहला पद उपमेय है ऐसे उदाहरण है तो स्त्री रत्न यानी कि स्त्री रूपी रत्न यानी कि पहला पद क्या है उपमेय यानी कि स्त्री यानी कि यह जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाए स्त्री की तुलना रत्न से की गई है देहलता यानी कि देह रूपी लता नरसी यानी कि नर रूपी ग्रंथ रत्न ग्रंथ रूपी रत्न नयन बाण यानी कि नयन रूपी बाण अब उलसे उसे उल्टा है कि पहला पद उपमान हो ऐसे उदाहरण है तो उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाती है यानी राजीव लोचन यानी कि राजीव के समान लोचन प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय भुजदंड दंड दंड के समान भुजा मृग लोचन मृग के समान लोचन पाषाण हृदय पाषाण के समान है जो हृदय कनकाभ कनक के समान आभा कनकलता कनक के समान लता कमल नयन कमल के समान नयन कर कमल यानी कि कमल के समान कर तो यहाँ अब उपमेय और उपमान के बारे में आपको समझ में आ गया होगा ठीक है यहाँ बताया गया है ध्यातव्य यानी कि जब पहला पद उपमान हो तो दोनों पदों के बीच में के समान का प्रयोग किया जाता यानी कि जब पहला पद उपमान यानी कि यहाँ की बात कही जब पहला पद उपमान हो उपमान होता है तो यहाँ उसका विग्रह करते समय क्या ये समान शब्द का प्रयोग होता है आगे निम्नलिखित समासों का विग्रह कीजिए ये आपको होमवर्क में करना है ठीक है आगे तीसरा प्रकार है द्विगु समास यानी कि जहाँ समस्त पद पहला शब्द संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है वहाँ धृगु समास होता है आप हाँ पढ़ चुके हैं आगे विशेषण ठीक है तो जब पहला पद संख्यावाचक अथवा परिणामवाचक विशेषण होता है उसे हम धृगु समास होता है उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे त्रिकाल यानी कि त्रि यानी कि तीनों कालों का समूह त्रिफला यानी कि तीन फलों का समूह पंचामृत पंच पाँच अमृतों का समूह यानी कि इन उदाहरणों में क्रमांक एक और दो में पहला शब्द संख्यावाचक है विशेषण है और क्रमांक तीन में पहला शब्द परिमाण वाचक है अतः ये द्विगु सवाल ये पहचानने में सबसे सरल है यहाँ उदाहरण दिए गए हैं त्रिलोक यानी कि तीन लोकों का समूह चौगुणी यानी कि चो यानी कि चार गुणी नवरात्र नौरात, नवरात्रियों का समूह पंचनांद नर्थ, पांच नदियों का समूह चतुष्कोण चार कोण वाला नवग्रह नवग्रहों का समूह अष्टाध्यायी आठ अध्यायों का समाहार चौमासा, यानी कि चार मासों का समाहार चवन्नी यानी कि चार आनों का समाहार चौराहा चार राहों का समाहार सप्ताह सात दिनों का समाहार, त्रिवेणी तीन वेणियों का समाहार तिरंगा तीन रंगों का समाहार नवरत्न नवरूपी रत्न पंचवटी यानी कि यह आपको होमवर्क में करना है ठीक है इसका आपको विग्रह करना होगा चौथा प्रकार है द्वंद्व समास गुजराती भाषा में आयनो इसका अर्थ होता है द्वंद को। इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रदान होते हैं समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अवयव और अथवा या शब्द लगाना पड़ता यानी कि इसमें दो पदों को मिलाते समय मध्यशिस्त योजक लुप्त हो जाता है और जैसे सत्य और असत्य का समस्त पद होगा सत्यासत्य दोनों पद प्रदान है जिसे हम द्वंद्व समास कहते हैं द्वंद समास में कई प्रकार है जिनमें पहला है इतरेतर द्वंद्व समास तो कोटि के समास में समुचे बुद्धक अवयव और का लोप हो जाता है यानी जैसे कि ऋषि मुनि तो उसका विग्रह ऋषि और मुनि तो उसका पद बन जाएगा ऋषि मुनि माता पिता यानी कि माता और पिता गाय बेल यानी कि गाय और बेल सीता राम सीता और राम राधा कृष्ण राधा और कृष्ण भाई बहन भाई और बहन तो यहाँ सबसे आपको देख देखने को मिलता है समुचित बधाई उदक अवयव और का यहाँ क्या हो जाता है लोप हो जाता है इसे हम इतरे तरह ध्वन समास है। है वैकल्पिक ध्वं समास यानी कि इस समास में विकल्प सूचक समुचे बोधक अवयव इस समास में विकल्प सूचक समूचे बोधक अवयव या वा अथवा का प्रयोग होता है जिसका समास करने पर लोप हो जाता है जैसे यहाँ देखा जाए तो समास पद की बात की जाए और विग्रह इनका बताया गया है तो धर्माधर्म तो यहाँ उसका विग्रह करते हैं तो धर्म या अधर्म छोटा बड़ा तो के छोटा या बड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा या बहुत ठंडा गर्म ठंडा या गरम हाँ ना हाँ या ना लाभालाभ तो लाभ या लाभ जोड़ तोड़ जोड़ना या तोड़ना गुण दोष तो गुण या दोष तो यहाँ आपको देखने को मिलाएगा यहाँ या का प्रयोग करके उसका विग्रह किया जाता है इसी तरह आगे है समाहार ध्वंद समास जिस समास में उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं तो यहाँ आपको दिखने को मिलेगा कि जिस सभा से उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित होता है उसे हम क्या समाहार ध्वन समास कहेंगे दाल रोटी यानी कि दाल रोटी वगैरह कपड़ा लता यानी कि कपड़ा लता वगैरह यानी कि यहाँ उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का भी अर्थ हम कर सकते हैं सेठ साहूकार यानी कि सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग रुपया पैसा यानी कि रुपये पैसे गयने वगैरह आगे लिखा है धातव्य बिंदु यानी कि जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आप उसी अर्थ में आए तब वह द्वंद्व न होकर कर्मधारय हो जाता है यानि कि जब दोनों पद विशेषण दर्शाते हैं और उसी अर्थ में आए तब वह द्वंद्व न रह कर क्या हो जाता है कर्मधारय हो जाता है जैसे भूखा प्यासा लड़का रो रहा है तो यहाँ भूखा प्यासा लड़के का विशेषण है यानी कि यहाँ दोनों शब्द क्या बताता है विशेषण दर्शाते हैं अतः कर्मधारय ही समाज के अंतर्गत तो वो आ जाएगा यानी कि जब दोनों शब्द विशेषण हो तब वह समास रहता नहीं है लेकिन वो क्या कर्मधारय हो जाता है यानी कि ध्वंद समाज का विक्रिया अपना पराया गंगा यमुना यह उदाहरण दिया गया अपना या पराया गंगा या अम, दिखे स्त्री और पुरुष स्वर्ग और नर्क हानि या लाभ बराबर अमित या गरीब तो यह आपको होमवर्क में करना है तो सभी छात्रों यहाँ हमारा समाज व्याकरण विभाग में जो समाज का टॉपिक है यहाँ हम पूर्ण करते हैं हमें आज के इस वीडियो में समाज के बारे में पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है सुनना है और समझ समझना है साथ में अपने किताब में जो भी कई उदाहरण दिए गए हैं उस उदाहरणों को समझना है और होमवर्क के रूप में जो दिए गए हैं समाज का विग्रह करने के लिए शब्द उनको अपनी नोटबुक में उसका विग्रह करना होगा यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं तो आशा करता हूँ कि आज के इस क्लास में आप सभी को समाज के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इसके साथ हम आज का समाज का टॉपिक यहाँ पूर्ण करते हैं और इसके साथ आज का यह वीडियो भी यहाँ हम पूर्ण करते हैं सभी छात्रों को जय हिंद जय जेह भारत